हाथ दे, लाख लाख धन्यवाद हर एक चीज के लिए, ऐसी ही सुख शांति बनाए रखना। हेलो मैम, एक लेडी आई है, उनको अकाउंटिंग जॉब का इंटरव्यू देना है। लेकिन आज तो संडे है, मैं घर पे हूँ। मैम शी इज अ वेरी क्वालिफाइड अकाउंटेंट। अच्छा ओके, गिव हर माय एड्रेस एंड सेंड एट माय होम। तब तक मैं मिस्टर शौर्य से बात कर लेती हूँ जब तक वो आती है। यस मिस्टर शौर्य, आप प्रॉफिट्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग, आवर कंपनी वोंट लेट यू डाउन। मैम आपसे मिलने कोई आया है? वन मिनट सर। एक काम करो, उन्हें सोफा में बैठा दो और पानी वानी पिला दो, ठीक है? हाँ ठीक है। यस As I was saying that a few minutes later. Yes, Mr. Shorya, our company won't let you down. Thank you for making the deal. Yes. हाँ बोलो। ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया। अरे वाह, ये तो सब ए स्टार्स हैं। हेलो दीदी, मैंने सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया है। अरे वाह, तुम हो ही मेरी बहन तो। और पता है, मैं एकदम तुम्हारे जैसी लगती थी बचपन में। बहुत सारे लोग मुझे यही बोलते हैं। अरे वाह, लेकिन अब नाइन्थ ग्रेड आ रहा है, तुम्हें एक ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी। नहीं दीदी, मुझे ट्यूटर की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक ट्यूटर है। ये देखो मैंने ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड किया है। अरे हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत सुना भी है। गाइज मैं आपको भी बता दूँ, ट्यूटोरियल ऐप पढ़ाई को एकदम आसान बना देता है। ये 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एकदम ही अच्छा लर्निंग ऐप है। ये 3D विजुअल्स और 2D विजुअल्स की मदद से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, जिससे वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहे। है ना, ये एकदम मजेदार ऐप। ये ऐप की इम्प्रूवमेंट एरियाज, ट्रैकर्स, एनालिसिस, ऐसे और बहुत सारी चीजों से CBSE का पोर्शन खत्म कर देता है। अरे वाह, लेकिन डाउट्स के बारे में क्या? डाउट्स अगर तुम डायरेक्टली लेक्चरर से पूछ सकते हैं, वो डाउट पूरा भी कर देंगे। और वही ना, ये ऐप सुपीरियर ग्राफिक्स को यूज करता है, जिसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाते नहीं, उसको विजुअलाइज कराता है। ट्यूटोरियल से टीचर एकदम क्वालिफाइड रहते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने का जुनून रहता है एकदम। मतलब वो ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसे बच्चे एकदम अच्छे से समझ जाए, इसी की वजह से तो मैं टॉप की हूँ। और पहले हमें बच्चों का परफॉर्मेंस ट्रैक भी कर सकते हैं। अरे भाई, तो काफी इम्प्रेसिव ऐप है। और गाइस आपको पता है, ये 6th to 10th के बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको भी इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दीदी अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, अपने लेसन कंटिन्यू करने। तो ठीक है, मुझे वैसे भी किसी से मिलना है, मैं भी जा रही हूँ। ओके बाय दीदी। संगीता, वो मैडम कहाँ जा रही थी? अरे हाँ हाँ, वो मैम गाड़ी में कुछ भूल गई थी तो लेने गई है। ओके बच्चे देखो, कोई प्लेग्राउंड में खेल रहा है, कोई कैंटीन में खाना खा रहा है, और तुम यहाँ अकेले जेंगा के साथ। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। मैं यहाँ तक अपनी क्लास में सोती हूँ, और जब बोर होती हूँ क्लास में जेंगा खेलने लगती हूँ। टीचर्स भी मुझे डांटते हैं, मैं तो टैलेंटेड हूँ ही नहीं, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। ऐसा किसने कहा तुमसे कि तुम टैलेंटेड नहीं हो? तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। कहाँ बस, मुझे लकड़ियों के टुकड़ों के अलावा कुछ आता नहीं। क्या है आज स्कूल खत्म होने के बाद मिस आशा और जिंदा उपाध्याय की एक्स्ट्रा क्लास? नहीं मिस, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। किसने बोला तुमको कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं? मैं तो तुझसे जिंदा सीखने वाली हूँ, आप तुम मेरी टीचर और मैं स्टूडेंट। मिस आप मजाक क्यों कर रहे हो? मंडे टू थर्सडे आपका क्लास रहता है, सुबह जल्दी आते हो, स्कूल से घर लेट जाते हो। फ्राइडे एक दिन रहता है जिसे आप घर जल्दी जा सकते हो। अगर आप, मैं आपको सिखाऊंगी और मेरे साथ एक्स्ट्रा क्लास रखोगे तो आप तो थक ही जाओगे ना, आपको भी तो ब्रेक चाहिए होता है। तुम्हें तो पता ही है ना कि एक दिन भी मैं बिना क्लास के नहीं रह सकती। तो मिस कल आपका मेरा मीटिंग पक्का?
तो आज मिस आशा और जिंगा उपाध्याय की मीटिंग यहीं पे होगी। अरे मिस मैं जिंगा उपाध्याय नहीं हूँ। तो अभी हमारा क्लास का टाइम हो गया है, मैं क्लास लेके आती हूँ, ठीक है? ओके मिस, बाय। कुछ टीचर्स ना स्पेशल होती हैं, जिनको हर एक बच्चे में टैलेंट दिखता है, और मेरी स्पेशल टीचर थी मिस आशा। One hour later. अरे मिस आप आ गए, आइए आइए, तीन बार से बैठिए। थैंक यू अनु, तुमने मेरे लिए वेट बैग ला दिया। और नहीं तो क्या मिस, मैं मानती हूँ कि हमेशा स्टूडेंट को कंफर्टेबल फील करना चाहिए। हाँ चलो शुरू करें। तो मेरे जिंगास बाहर आ जाओ जिंगास। ऐसे करके हो जाता है ना एकदम अच्छा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको आपके टीचर्स वाले स्टाइल में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे होता है। तो पहले हम ये वाला जेंगा एकदम दूर रहता है, तो इस जेंगा के पास आने के लिए हमें डालना होगा अपना दूसरा जेंगा जो उसके पास रहेगा। तो अब वो जेंगा भी इतना दूर है, तो उसको गिराने के लिए हम उसके पास एक और जेंगा रखेंगे। ऐसे करते करते हम जेंगा तब तक रखते जाएंगे जब तक अपने पास नहीं आया, और फिर उसको ऐसे गिरा देंगे, है ना एकदम आसान। तो बहुत अच्छा है। वो मैं भूल गई थी, मुझे काम करो, तुम ना आग बंद करो, अब नहाता के करो। हैप्पी टीचर्स डे मिस। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है अनु। ये है जेंगा फ्रॉम जेंगा उपाध्याय। ये मेरा सबसे फेवरेट गिफ्ट है टीचर डे का, इसको तो मैं अभी अपने साथ ही रखने वाली हूँ हर वक्त। मिस मैं कैसे भूल सकती थी, आज टीचर्स डे है। तो चलो मिस अब आपकी बारी है। तो अभी मैं अपने स्टाइल में जेंगा तुमको खेल के दिखाती हूँ, ठीक है? ओके मिस, स्टाइल जैसा भी हो जेंगा अच्छा होना चाहिए। तो ये देखो, ये मेरा सबसे बड़ा गोल है, एक साल का गोल है, इसको मैं सबसे दूर रखूंगी। तो ये मेरा गोल है कि मुझे एक साल में 1000 स्टोरीज पढ़नी है। बाप रे बाप, मैं 5-6 पढ़ पाऊंगी? मैं तो पढ़ लूंगी ना। अब इसको गिराने के लिए ये मेरा दूसरा गोल है कि मुझे हर महीने 167 स्टोरी पढ़नी है। और ये मेरा तीसरा गोल है, इसको गिराने के लिए मुझे हर हफ्ते 41 स्टोरी पढ़नी है। और ये मेरा सबसे लास्ट और चौथा गोल है कि मुझे हर रोज, इसके लिए आपको हर दिन 6 शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी होगी। अरे वाह अनु, तुम तो बड़ी समझदार निकली। जेंगा के बारे में हमेशा स्मार्ट हूँ, क्योंकि बहुत आसान दिखता है मिस। तो ये देखो, ये हो गया ना? हो गया मतलब? मतलब मैंने 1000 स्टोरीज पढ़ ली। हाँ? तो इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अरे वाह मिस, मैं भी अपना एक गोल बनाऊंगी। और ऐसे मैं एक लूजर से विनर बन गई। अरे मिस, आइए 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 बैठिए। संगीता को चाय पानी लेके आओ उसके लिए। अरे नहीं नहीं मैम, अभी तो मैं। अरे मैम मैम नहीं, बेटा बुलाइए मुझे। अच्छा ठीक है बेटा। वो क्या है ना, मुझे अकाउंट का जॉब चाहिए। अरे वो तो आपको मिल गया, वो सब छोड़ो, बताओ कैसे हो आप? अब देख ही सकते हो, उम्र हो गई है और टीचर के जॉब से रिटायर हो गई हूँ, और मैं एक दिन भी काम के बिना नहीं रहते। मुझे सब पता है, आप एक दिन भी काम के बिना नहीं रह सकते। तुम्हें कैसे पता बेटा? आपको याद है ये जेंगा आपको किसने दिया था? अरे ये मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, जिसको मैं जेंगा उपाध्याय बुलाती थी। उसको सब बच्चे लूजर बुलाते थे, लेकिन मैं उसको विनर बुलाती थी। ये मुझे उसने टीचर्स डे पे दिया था गिफ्ट में। और भाई आज आपके सामने बैठी हुई है मैं हूँ अनुष्का, एक एक जेंगा उपाध्याय। और मुझे बार बार मिस बोले जा रही हूँ। इतनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची कि मैं पहचान ही नहीं पाई तुमको। अरे मिस, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपके वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पता नहीं उस दिन आपको उस लूजर में ऐसा क्या दिख गया कि आपको लगे वो टैलेंटेड है।
थैंक्स टू यू मिस, मैं आपके वजह से एक लूजर से अब एक विनर बन पाई हूँ। आप मेरे भगवान हो मिस। नहीं नहीं बेटा, तुम तो पहले से ही टैलेंटेड थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, मंजिल तो तुमने खुद पार की ना बेटा। मिस मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आई, आई मिस यू। टीचर हर बच्चे का टैलेंट पहचान कर उसे सही रास्ता दिखाती है। उनके लिए कोई बच्चा गरीब नहीं रहता, कोई बच्चा अमीर नहीं रहता, उनके लिए सारे बच्चे एक समान रहते हैं। हैप्पी टीचर्स डे।